देवरिया से प्रेम त्रिपाठी की रिपोर्ट 9478883 0। भाजपा को जिताएं, देश को बचाएं। देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा के 87 इंटर कॉलेज के ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी मत्स्य व पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के पक्ष में जनसभा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संबोधित किया व सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राम मंदिर की चर्चा करते हुए कहा कि इन्हीं सिपाहियों ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, परंतु न्यायालय के आदेश से आज भव्य मंदिर बन रहा है। आपके वोट की ताकत से कश्मीर से 370 हटाकर एक देश के कानून की परिकल्पना को मोदी ने साकार किया। 156 कानून जो कश्मीर में लागू नहीं होते थे उनको लागू करवाया। 13वीं सदी की 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म किया, जिनसे आज मुस्लिम बहनें खुशी की जिंदगी जी रही हैं। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील करते हुए कहा कि 3 मार्च को कमल का बटन दबाकर अपने हकों की रक्षा करें। हमारी सरकार ने आतंक का सफाया किया, सबको भोजन, आवास, शौचालय दिया, भयमुक्त वातावरण दिया। हम गुंडों का मनोबल तोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों का मनोबल बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू। अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भारतीय गोरखपुर उतर गए हैं, वहां से रुद्रपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। 15-20 मिनट में आपके बीच में होंगे। आज इस चुनावी सभा कार्यक्रम में हमारे मंच पर आपके प्राण लड़के देवरिया जनपद में आया हूं और मैं जयप्रकाश निषाद जी को सुन रहा था। और जयप्रकाश निषाद जी जब कह रहे थे तो आपकी तालियों की आवाज को भी बहुत गहराई से सुन रहा हूं। आपकी तालियों की आवाज ने मुझे इस बात से आश्वस्त कर दिया है कि आपने जयप्रकाश निषाद जी को अपना आशीर्वाद देने का मन बना लिया। ये अपना सिर्फ इसीलिए कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चले, लेकिन धारा 370 विराजमान थी। आपने किसी उंगली से, अपनी उंगली से कमलेश पासवान के लिए बटन दबाया, आपके लिए सांसद बनाया और उस सांसद ने मोदी जी के हाथ मजबूत करके अपनी उंगली से पार्लियामेंट में बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी तो सदियों से लग रहा है और सदियों से हमारी इच्छा थी कि हम वहां पर राम, जय श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनाए, थी कि नहीं थी। लेकिन इसी को जब सरकार और आदमी गलत भेजा था तो बताइए राम भक्तों पर गोली चलाई थी सपा ने कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? इन्हीं कांग्रेसियों ने राम जन्मभूमि को लटकाया था, भटकाया था, अटकाया था कि नहीं अटकाया था? अटकाया था कि नहीं अटकाया था? लेकिन जब आपने अपनी उंगली से सही बटन दबाया, कमलेश पासवान को भेजा, तो मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बैठे और सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वसम्मति से भव्य राम मंदिर बनाने की इजाजत दी।